हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आठवीं पास वालों के लिए दोस्तों बड़ी जबरदस्त वैकेंसी आउट हुई है, पक्की सरकारी नौकरी है दोस्तों। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंतर्गत आठवीं पास वालों के लिए वैकेंसी निकली है। फ्रेशर सारे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई भी एक्सपीरियंस या सर्टिफिकेट कोर्स या डिप्लोमा कोर्स कुछ भी नहीं मांगा है, मात्र आठवीं पास मांगा है दोस्तों। आप भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, मेल हो फीमेल हो, आप सब लोग इसको अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने का प्रोसेस रहेगा ऑनलाइन, सारी बातें मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना दोस्तों। अपने चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर कर देना। बेसिकली दोस्तों जो पोस्ट निकली है वो निकली है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंतर्गत। पोस्ट का नाम है जूनियर एनवायरमेंटल असिस्टेंट। इसकी पोस्ट निकली दोस्तों। बात करते हैं सैलरी की, तो आपको जो सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 22,700 रुपए से 58,500 के अंतर्गत। अब दोस्तों बात कर लेते हैं एज क्राइटेरिया की। आपकी कम से कम एज होनी चाहिए 18 साल, ज्यादा 27 साल। और अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, और अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। दोस्तों एक बात ध्यान देने वाली है, अगर आपको एडवर्टाइजमेंट रीड आउट करना है फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन, मैं एडवर्टाइजमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप डायरेक्टली वहां से क्लिक करके डाउनलोड करके इसको रीड आउट जरूर कर लेना दोस्तों। अगली बात करते हैं दोस्तों आपको अप्लाई कैसे करना होगा और इसके एग्जामिनेशन चार्जेस कितने लगेंगे। आप अगर यूआर या ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 300 रुपए चार्ज देने होंगे, और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको फीस एग्जेम्प्टेड मिलेगी। इसके बाद आपको ऑनलाइन सारा प्रोसेस बनाना है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो पहले रिटर्न एग्जाम कंडक्ट होगा। जो बच्चे रिटर्न को क्वालिफाई करेंगे वो फिर इंटरव्यू में जाएंगे। रिटर्न एग्जाम की जो डेट्स हैं वो भी डिसाइडेबल हैं। 24 से 25 जनवरी में आपका रिटर्न एग्जाम होगा। उसके बाद दोस्तों इंटरव्यू होगा जिसकी डेट्स हैं 15 से 19 फरवरी 2021। अब दोस्तों देख लेते हैं कि जो आपका रिटर्न एग्जाम होगा वो कहां पे होगा, क्योंकि काफी बच्चों के दिमाग में संशय बना रहता है कि सर हमारा एग्जाम हमारी स्टेट में होगा या कहीं और होगा। तो मैं आपको बता दूं इनके 4 सेंटर डिसाइडेबल है, जो कि पहला है कलकत्ता, सिलीगुड़ी, दुर्गापुर और खड़गपुर। ये 4 सेंटर है जहां पे आपके रिटर्न एग्जाम कंडक्ट होंगे। अब दोस्तों मेन सवाल ये होता है कि आपकी जो पोस्टिंग होगी वो कौन से स्टेट में होगी, तो मैं आपको बता दूं पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वेस्ट बंगाल के में आपके पोस्टिंग होगी, जिसको सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, डायरेक्टली आप वहां जाके अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।